नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं इंजीनियर बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप किसी इमेज फाइल से किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को उस एप्लीकेशन के बारे में बताया जिसका मैंने यूज़ किया था, ठीक है। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिए और पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाना है ये आप भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी सीडी से या किसी भी पेन ड्राइव को जब हम बूटेबल बनाते हैं तो उसके लिए हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे हम यूज़ करना चाहते हैं विंडोज 7, 8, 8.1 या 10, तो इन सब की इमेज हमें चाहिए होती है जिससे कि हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, आखिर कौन सा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी पेन ड्राइव या किसी भी सीडी से जहां भी हमारी फाइल्स पड़ी होंगी, ठीक है, तो उसको हम निकाल के, ठीक है, उसको हम इमेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम पावर आईएसओ का। तो अभी मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि हम पावर आईएसओ का कैसे यूज़ करेंगे और कैसे उससे इमेज को क्रिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों देखने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अपनी सीडी को एंटर कर लिया है अपने सिस्टम में। देखिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि एक सीडी एंटर है। चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। दोस्तों ये एक बूटेबल सीडी है जिससे कि हमें इसकी फाइल्स, इन फाइल्स को कॉपी करके एक इमेज को क्रिएट करना है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ पावर आईएसओ का, यानी कि पावर आईएसओ का। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसके मेन्यू बार में देखिए यहाँ पे आ रहा है कॉपी का ऑप्शन। ऊपर देखिए इसका आइकन, यहाँ पे एक डिस्क बनी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी। तो हम बस सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और देखिए हमें चाहिए आईएसओ फाइल, यानी कि ये। तो यहाँ से हमने इसको चेक कर लिया और इसको ओके कर लिया। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, अगर कोई ज़रूरत नहीं, अगर नहीं करना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपकी सीडी ना होती और वो फाइल्स कहीं और कॉपी की होती तो आप उनको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते थे, वो यहाँ पे आपकी शो कर जाती। लेकिन जैसा कि मैंने सीडी लगा रखी है इसलिए मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों ये वो लोकेशन है जहाँ पे हम अपनी आईएसओ इमेज को सेव करेंगे। अगर उसे हम डॉक्यूमेंट्स में ना सेव करके कहीं और सेव करना चाहते तो उसे हम वहाँ पर भी सेव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। इसे अगर हम रीनेम करना चाहें तो इसे हम रीनेम भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए इसको हम रीनेम कर देते हैं और इसको मैं डाल देता हूँ Win7, क्योंकि ये मेरी विंडोज़ 7 की है, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया Win7 और यहाँ से हमने कर दिया इसको सेव। दोस्तों अभी हमारा प्रोसेस हो चुकी है, अब इसको हम करते हैं ओके पे क्लिक और कर देते हैं इमेज क्रिएशन स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके का हमारा जो पॉपअप बॉक्स ओपन हो के आएगा। यहाँ पे हमारा शो कर रहा है कि वो इमेज हमारी शो हो रही है, कितना परसेंटेज हुआ है और कितना टाइम इसका रिमेनिंग है, वो भी यहाँ पे शो करता है नीचे सबसे। तो अब वेट करते हैं कि इस इमेज के क्रिएट होने का, इसमें भी टाइम लग जाएगा इसलिए मैं इस इमेज मूव को फॉर्मेट करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हमारी जो इमेज है वो क्रिएट हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं इसको। ओके 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 ओके, यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमारी Win7 यहाँ पे दिया हुआ है। इसका साइज आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए इसकी आप प्रॉपर्टीज़ ओपन करके देख लीजिए, ये एक आईएसओ इमेज है और यहाँ पर ये इसका साइज़ है जो कि हमारी विंडोज़ का साइज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम और डिटेल इसकी दी हुई हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स जो आप देखना चाहें तो यहाँ से ओपन करके उन सबको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं या आप किसी भी और
जैसे कि आप करना चाहें कि किसी भी आपकी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोस हैं, तो उन सब की अगर आप इमेज क्रिएट करना चाहें, सोचते हैं कि उनको हम अपनी सीडी पे कॉपी कर लें, तो उसके लिए आप पावर आईएसओ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सीडी पे कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड करते हो, फिर ये जो बर्न का ऑप्शन है यहाँ पे जब क्लिक करते तो आपसे एंटर न्यू सीडी मांगता, ठीक है, और वहाँ से आप नई सीडी डाल के ब्लैंक सीडी डालते, ठीक है, तो उससे वो आपकी एक सीडी पे इमेज आपकी क्रिएट कर देता। और इस कंडीशन में जब आप भी आपको सीडी प्लेयर, लैपटॉप या जहाँ भी उसको प्ले करते तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्ले हो जाता। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं और उससे बना सकते हैं एक पेन ड्राइव को बूटेबल। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।